लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सिंह जी, हेलो, मेरा नाम अविनाश है। आइए आइए ना। थैंक्स। मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? जी नहीं, मुझे फोन पे कहा गया था फिल्म बनानी है किसी फंक्शन की। मैंने ही आपको फोन किया था। आइए तशरीफ रखिए। अभी देर है मेहमानों के आने में? ज्यादा नहीं, बस एक ही मेहमान ने आना है। जी, मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूं। पहले ये बताइए, आप पर कहां तक भरोसा किया जा सकता है? मुझसे ही पूछ रही है? ये तो इस बात पे डिपेंड करता है। बात क्या है, भरोसा करने के लिए कह कौन रहा है? आप एक अजनबी हैं, आपके मुझ पे कोई एहसान भी नहीं है, इसीलिए आपको मुझसे भरोसे की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। अविनाश साहब, आप मिस्टर राणे एमपी को जानते हैं? वही जो हाल ही में फॉरेन कंट्रीज का दौरा करके लौटे हैं। जी, पिछले 3 साल से मैं उसकी रखेल हूं। लेकिन वो तो बहुत ही पब्लिक लाइफ में बहुत साफ इमेज रखते हैं, यही ना? हाँ, सब गरीब लड़कियों की अपने खर्चे पे शादियां करवाते हैं, उनमें से मैं भी हूं। लेकिन ना तो वो खुद मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं, और ना ही मुझे किसी और से शादी करने को देते हैं। फिर? मैं शादी करना चाहती हूँ। एक लड़का है भास्कर, जो मुझसे प्यार करता है, मेरा अतीत जानते हुए भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। तो आपने ये बात मिस्टर राणे एमपी साहब को बताई? नहीं, वो भास्कर का मर्डर कर देगा। तो एक तरीका है, मैं राणे के चुंगल से आजाद हो सकती हूं, अगर तुम मेरी मदद करो तो। वो हर सैटरडे को शाम मेरे साथ बिताता है, आज भी आएगा। और अगर तुम उसकी फिल्म उतार लो तो बदनामी के डर के मारे तुम्हें आजाद कर देगा। हाँ, लेकिन ये तो ब्लैकमेल है। और वो जो कर रहा है वो क्या है? कोई ऐसी जगह है इस घर में जहां कैमरा छुपाया जा सके? ये स्विच है, जब आप इसे दबाएंगी कैमरा अपने आप चालू हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। थैंक यू। ओके। गाड़ी ले जाओ। आ गए तुम? आज जरूर शनिवार होगा। किसी धोखे में मत रहना, अचानक किसी भी दिन हैरान कर सकता हूं। मैं तब हैरान होंगी जब तुम आकर नहीं जाओगे। तुमने फिर जगजग शुरू कर दी? एक ही रात तो मेरे हिस्से में आती है,
क्या तुम उसे भी बातों में काटोगे? उसने फोन रख दिया। किसका फोन था? मैं क्या जानू। 4641 45 किसका फोन नंबर है? मैं नहीं जानती। लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज वालों का कहना है कि तुम इस नंबर पे लगातार फोन करती हो और इस नंबर से तुम्हें फोन आते हैं। लगता है तुम्हारे और मेरे प्यार का कोई दुश्मन बन गया है। दुश्मन? ये भास्कर कौन है? मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो तेरा यार है यार। तू मेरे होते हुए किसी और की नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अखबार के दफ्तर में ये कैसेट लाने का कारण? कमला सिंह के साथ इंसाफ। आपके अखबार के जरिए मैं जनता को मिस्टर राणे का असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मिस्टर राणे को भी कानून से वही सजा मिले जो कत्ल के मुजरिम को मिलती है। तुम्हारी फीस कितनी होगी? फीस? ये स्कूप, ये कैसेट हमें बेचने की कीमत? इस स्कूप के लिए मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। और ये कैसेट मैं आपको बेचूंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा। और अगर मुफ्त में भी आप एक खबर नहीं खरीदेंगे तो मैं कोई दूसरी दुकान ढूंढूंगा। अविनाश साहब, हमारा भी उसूल है, हम मुफ्त में कुछ नहीं लेते। इतना बड़ा स्कूप इस अखबार का सर्कुलेशन बढ़ा सकता है। इसकी क्या कीमत होनी चाहिए ये तो अखबार के मालिक ही तय करेंगे। आइए मेरे साथ। नीचे एक लड़का बैठा है जिसका कहना है कि कमला सिंह का मर्डर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर राणे ने किया है। ये
लाओ। पकड़ो हमजादे को। मैं शैला से बात कर सकता हूँ जी? मैं उसका भाई अविनाश बोल रहा हूँ। या प्लीज, थैंक यू। हेलो हेलो शैला, या अविनाश, कहाँ से बोल रहे हो? शैला, मैं इस वक्त मुश्किल में आ गया हूँ। मैंने एमपी रानी से दुश्मनी मोल ले ली है। मेरी जान आफत में आ गई है शैला। क्या बात है? इस वक्त फोन पे बताने लायक नहीं है। सुनो, मैं आज रात घर नहीं आऊंगा। हाँ, अगर आ गया ना तो तुम भी आफत में आ जाओगी। कल कचहरी में प्रॉपर्टी के केस के बारे में पेशी है। हाँ, मैं कचहरी पे आने की कोशिश करूंगा। और सुनो, अगर नहीं आ पाया ना तो तुम चक्कर चला लेना, ओके? या बाबा, चिंता मत करना, ओके? या बाय। आज आपकी पहली पेशी है। मैं आपकी सूरत देखते ही समझ गया था। खैर, घबराने की कोई बात नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए, आप साफ साफ छूट जाएंगी। क्या? चक्रधारी कुरेक्ट बोल रहा है आपसे। ये जो वकील है ना, सब मुफ्त की फीस लेते हैं यहाँ पर। मेरा इस कोर्ट की कंटीन में 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स। जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करते जाइए, आप खून के इल्जाम से एकदम बरी हो जाएंगी। लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। समझ गया, मतलब आपके कारण खून हुआ है, कुरेक्ट? अरे आप हैं ऐसी के 5-10 खून तो होने ही चाहिए। आप मुकर जाइए कि आप मरने वाले को जानती नहीं थी। देखो नामधारी, चक्रधारी कुरेक्ट। मैं अदालत इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा एक प्रॉपर्टी का केस है, और परेशान मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा भाई अभी तक आया नहीं और अब शायद आएगा भी नहीं। तो मैं कुरेक्ट समझा था। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना भाई अविनाश बनाकर ले चलिए। तुम चलोगे? क्यों, थोड़ी सी टिप दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। वैसे आपका वकील कौन है? इस परेशानी में मैं वकील करना तो भूल ही गई। ओहो, मुझे पता था आप यही गलती करेंगी। खैर, मेरे होते हुए आपको वकील करने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अदालत डिग्री मांगती और वो मेरे पास है नहीं। तो चलिए वकील ही कर लेते हैं। रवि, ये है शैला खुराना, कुरेक्ट। और ये है रवि गोयल, BA LLB, बहुत ही बिजी वकील है यहाँ के। आइए बैठिए बैठिए। रवि यार, इनका प्रॉपर्टी का केस है, ले लो। तुम्हारा भाई अविनाश कहाँ है? ये है। ये तो चक्रधारी है, इसी कैंटीन में काम करता है। ए भाई, धंधा खोटा मत करो यार, अपनी फीस से मतलब रखो ना। तुम्हें क्या लेना देना कुरेक्ट अविनाश कौन है? चक्रधारी, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं झूठ फरेब के चक्कर में नहीं पड़ता। फिर तुम ये भीम साहब को मेरे पास क्यों लाए हो? लाया था तुम्हारी मदद के लिए। सोचा था आज कुछ कमाई कर लोगे ना तो मुझसे रम के पैसे उधार नहीं मांगोगे। पर क्या है ना, तुम्हारी हड्डियों में तो हराम बैठ गया। लाओ वापस करो। चलिए उठिए, गेट अप, कोई दूसरा वकील कर लेते हैं। जाने से पहले 30 रुपए देते जाना। पैसे नहीं है मेरे पास। देख लो,
पिछला भी कुछ हिसाब है। ये ले 50, पूरे 1200 हो गए, करेक्ट। थैंक यू। चलिए चलिए चलिए। अबे ओए, इस हरिश्चंद्र की औलाद तो एक चाय मार गरमा गरम। छत हो मेरी धरती सिराना हो, धरती सिराना हो। आसमान छत हो मेरी धरती सिराना हो, धरती सिराना हो। जहाँ मिले प्यार मुझको, जहाँ मिले प्यार मुझको, वो मेरा ठिकाना हो, वो मेरा ठिकाना हो। आसमान छत हो मेरे, धरती सिराना हो, धरती सिराना। सपना है मेरा यही, फूल खिले गली गली, हो फूल खिले गली गली। आंसू ना हो आहे ना हो, खुशियों की खिले कली, खुशियों की खिले कली। जहाँ तक निगाहें जाए, जहाँ तक निगाहें जाए, मंजर सुहाना हो, मंजर सुहाना हो। आसमान छत हो मेरे, धरती सिराना हो, धरती सिराना। जैसे मिले, जैसे कोई मीत मिला, जैसे कोई मीत मिला। सुनी सुनी जिंदगी को, जैसे कोई गीत मिला, जैसे कोई गीत मिला। सारा जहां हो अपना, सारा जहां हो अपना, कोई ना बेगाना हो, कोई ना बेगाना हो। आसमान छत हो मेरी, धरती सिराना हो, धरती सिराना। छोड़ दो उसे। कहाँ घुसाता है? अरे चल यहाँ से, हम है ना सर वो। अरे जाता है यार, रात हवालात में गुजारने का इरादा। चल चलो चलो यहाँ से, उसे मार रहे हैं सर।
ऐसा रहे तू मास्टर है कॉटर देना रवि घर चल चल खाना खा ले खा लेना ले तू खाएगा खबरदार जो इसे खाना खिलाया मां मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है खाने के बीच झगड़ा मत किया करो तेरा बाप मरा था तो मैं बहुत रोई थी लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि एक शराब इसे पीछा छूट गया अब उसकी उल्टियां साफ नहीं करनी पड़ेंगी सच्चे आदमी का कर्जा चुकाने के लिए आए दिन कर्जदारों को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा अपने बेटे के सहारे जी लूंगी मुझे क्या पता था वो भी शराबी निकलेगा मां तू रवि ना मां बाप मरा नहीं वो शीशा बनकर मेरे लहू में बैठा है तू क्या समझती मैं हालात से जीवन से समझौता नहीं करना चाहता क्या करूं जब भी मैं हाँ कहता हूं वो अंदर से ना कहलवा देता है फिर निकाल फेंक उसे मार डाल उसे मारने के लिए मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा अपने आप को मारना पड़ेगा तो फिर मर जा वैसे भी तू जिंदा कहां है अपने आप से खिल नहीं आती है तुझे पूछ अपने अंदर बैठे उस पाप से अपनी बहन की कमाई पर जिंदा रहने से क्या तेरा मर जाना माँ कितनी नंगी बातें करती हो तुम मैं क्या धंधा करके पैसे लाती हो शशि माँ ठीक कहती है माँ ठीक कहती है शशि मैं मर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा क्या डराता किसे है सब ठीक हो जाएगा मैं मर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा मैं इसकी कमाई पर जिंदा हूं शशि शशि सुधरोगी रोज गैस खुला छोड़ देती हो मॉर्निंग ला नाप लेती हूं तेरा रोज एक चप्पल गुम कर देते हो तुम जानते हो ये लो इलेक्ट्रिसिटी के बिल के पैसे और तुम्हारी रम के पैसे देखो रवि मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया पीने से जितनी मर्जी पियो लेकिन घर पे बैठ के पियो ताकि हमें परेशानी ना हो तुम जब देर से घर पे आते हो ना अजीब अजीब ख्याल आते हैं फिर इसे लाड़ जताना शुरू कर दिया माँ प्लीज बाय और ये तुम्हारी मेहंदी के पैसे ताकि तुम्हारा बुढ़ापा भी चुगली ना खाए
और तुम्हारा दिमाग भी ठंडा रहे। जब औलाद जवान होने लगती है तो माँ का बुढ़ापा मेहंदी से नहीं। माँ, मुझे कभी कभी लगता है तुम मेरी माँ नहीं बेटी हो। और जब तुम गुस्से में बर्तन वगैरह फेंकना शुरू करती हो ना तो लगता है तुम्हारा कान पकड़ लूं। जा, ऑफिस को देर हो रही है। ओके, देखो अब तुम दोनों अच्छे बच्चे बनना और झगड़ा नहीं करना। चलती हूँ। तो कहीं ये तो नहीं समझता मैं तुझे प्यार नहीं करती? नहीं तो तेरे बाप की ईमानदारी की सजा हमें मिले, अब तेरी ईमानदारी की कीमत शशि को चुकानी पड़ रही है। मैं ये नहीं कहती कि अच्छा होना बुरी बात है, पर साथ साथ तेरा कुछ फर्ज भी तो बनता है अपनों के लिए। शशि की शादी की उम्र निकली जा रही है, रात को देर से घर आने लगी है, कमाती है ना, इसलिए पूछ भी नहीं पाती कहां रह गई थी। जमाना बहुत खराब है बेटे, कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे अपनी शशि पर पूरा भरोसा है माँ। मैं औरत हूँ और औरत के मन और शरीर को तुमसे ज्यादा समझती हूँ। मैं तो बस इतना समझता हूँ कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी ईमानदारी और जमीर को शशि के लिए और तुम्हारे लिए गिरवी रख दूंगा। ये गिरवी रख के एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। बेचारी 14 साल की थी तब से घर को संभाल रही है, राखी बांधती थी तुझे तो उसी से पैसे लेकर उसी को देता था। बड़ा ईमानदार बनता है ना, तो सच बता उसकी शादी का सोचते ही कांप नहीं उठते? कौन कमा के हमें खिलाएगा? बहुत कड़वी बात की तूने मां, लेकिन सच है। चक्रधारी, पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं यार, पैसे कौन मांग रहा है, मुझे तो केस चाहिए। केस? ए, ए, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? तुम लोग, ये दुनिया, ये समाज जैसा चाहती है ना वैसा मैं बन जाऊंगा। झूठा, बस मुझे कमाई करनी है। देख रवि, जैसे तू बोल रहा है ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अरे कितना पैसा चाहिए तेरे को, तू बोल, तेरे को कितना पैसा चाहिए रे? ये ले बोल। पर मगर उधार मांग मांग कर कब तक गुजारा चलेगा चक्रधारी? काम मिलेगा, मिलेगा रवि, पर तू इसके लिए ना अपनी ईमानदारी नीलाम मत कर। ईमानदारी है ना, ये भी शराब की बोतल की तरह है, दोनों में नशा है, दोनों में दिमाग घुमा रहता है और आदमी अकड़ कर बात करता है, मगर दोनों का हकीकत से कोई लेने देना नहीं। तू नहीं चाहता मैं हकीकत का सामना करूं? सेठ साहब, आपका काम हो गया जी, एकदम फाइनल। रवि, सेठ साहब इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। लड़की की मां को कोई एतराज नहीं है, तुमको कोर्ट में यह एफिडेविट देना है कि ये लड़की करेक्ट है। मतलब? मतलब बालिग है। आप यहां पर दस्तखत कीजिए। जी। आप यहां। लगता नहीं कि तुम 18 साल से ऊपर की हो। अरे है साहब, लीजिए ना इसकी उम्र का एफिडेविट। गरीब घराने की बच्ची है ना, खाना पीना बराबर नहीं रहा, इसलिए बेचारी जरा सिकुड़ सी गई है। आप यहां पर विटनेस दीजिए। रजिस्ट्रार साहब, ये एफिडेविट झूठा है, ये लड़की वाकई नाबालिग है। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इस बात पर तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। रवि, तुम्हारे पिताजी इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और लोग आज तक उनकी ईमानदारी का उदाहरण देते। I'm sorry, sir. I'm sorry. पहला कसूर है, माफ कर देता हूं। आप लोग जाइए यहां से।
चाहिए। जी ये क्या हुआ? वो बार खून कहां से आ गया? तुमने झगड़ा कौन था वो बार सड़क पर तुम्हारे साथ? क्या क्या बात कर रहे हो तुम? मैं यहाँ बाथरूम में थी, तुमने बहुत शराब पी रखी। चलो रवि चलो कम। लेकिन शशि मैंने देखा उसे वहां मैं सड़क पर। कैसी बातें करते हो तुम? यही तो खराबी है तुम्हारे शराब पीने में, इतनी शराब पी लेते हो खुली आंख सपना देखना शुरू कर देते हो। मां इसने खाना खाया? देखो मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, साथ में खाना खाएंगे। हाँ लग रहा है। किस बात का मां? तूने इन दिनों शशि को गौर से देखा है? हाँ तो उसका जिस्म कुछ भरा भरा सा नहीं लग रहा, उसके चेहरे पर रूप सा नहीं आ गया। मां तू कैसी कैसी बात कर रही है? तू ये कार्ड उसकी पर्स से गिरा था। ये तो किसी गर्भ के डॉक्टर का कार्ड है, गायनेकोलॉजिस्ट का। तो पर मां औरतें डॉक्टर के पास गर्भ की किसी भी बीमारी के लिए जा सकती हैं, जरूरी तो नहीं वो। काश तू जो कह रहा है वो सच हो। मुझे तो कैसे पूछो उससे ऐसी बेशर्मी की बात। भरोसा करो शशि ऐसी नहीं है। जाओ सो जाओ। सो जाओ, नींद आ सकती है। क्यों वकील साहब, आज सुबह सुबह कोई कानूनी नुक्ता सुलझा रहे? कोई मदद चाहिए आपको? शशि हाँ? मां तुमसे कुछ पूछना चाहती है। पूछना तो मैं इनसे कुछ चाहती हूं, बताइए आपने बालों में मेहंदी क्यों नहीं लगाई? अरे क्या बात है हा? ये क्या है? कार्ड है, तुम्हें कहां से मिला?
तुम्हारे पर्स से। कमाल है, वकील साहब हमारे सामान की तलाशी लेने से पहले इन्हें सर्च वारंट लेना चाहिए था, बताइए आप इनको। तुझे इस डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ी? आप समझी माँ, तुम बहुत ही शकी हो। मेरे ऑफिस में एक औरत काम करती है, प्रमिला, उसके दो बच्चे हैं, उसको तीसरा बच्चा होने वाला है, वो बच्चा नहीं चाहती। फैमिली प्लानिंग उसका कार्ड है ये। देखा माँ, मैं नहीं कहता था कोई बात नहीं। तू ये सच कह रही है? और नहीं तो क्या? तो रवि के माथे पर हाथ रखकर कसम खा। माँ ये सब क्या? कसम खा। खाई कसम। बस तुम्हारी झूठी का सबका है, मैं तुमसे झूठ बोली। कल रात जो तुम्हारे साथ था वही ना? हाँ। कौन है वो? रणबीर सिंह, पुलिस ऑफिसर है। तुमसे शादी करने को तैयार है? हाँ। तो फिर ये अबॉर्शन क्यों? मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? फिर ये सब हुआ कैसे? मेरे सवालों का जवाब दो शशि। माँ को कुछ हो गया तो? मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना प्लीज, चाहता हूँ। प्लीज रवि, प्लीज मुझे अकेली छोड़ दो। प्लीज स्टेशन जी। ठीक। एक्सक्यूज मी, मुझे रणबीर सिंह से मिलना है, कुछ पर्सनल काम। वो उधर। हाँ हाँ ठीक है। चार हवलदार हैं जी। हाँ एक सब इंस्पेक्टर भी है। हाँ 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 ठीक है। अच्छा जी मैं रखता हूँ, बाय। देखते ही पहचान लिया मैंने, रवि हो ना तुम? कुछ पियेंगे आप? ये पुलिस स्टेशन है, मैं रम तो पिला नहीं सकता। लगता है आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हाँ तुम्हारी बहन के पास तुम्हारे अलावा और कोई टॉपिक भी तो नहीं। ये भी जानता हूं कि तुम्हारी वकालत ठीक नहीं चल रही, क्योंकि तुम सच के सौदागर हो और अदालत में उसका कोई खरीदार नहीं। महंगी चीज खरीदना हर आदमी के बस की बात नहीं होती रणबीर सिंह। रवि सोना भी महंगा होता है, लेकिन जब तक उसमें खोट नहीं मिलाई जाती जेवर नहीं बनते। अपने सच में थोड़ा सा झूठ मिला लो, दुकान चल पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारी नसीहत ना मानूं तो? वेल, जो हाल सच के हाथों तुम्हारे पिताजी का हुआ वही तुम्हारा भी होगा। मैं आपसे अपनी बहन शशि के बारे में बात करने आया हूं। क्या आप अच्छी तरह जानते हैं? हाँ वो कुछ बीमार है। वो बीमार नहीं है, वो पेट से है। तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और उसके जिम्मेदार तुम हो रणबीर सिंह, तुम। एक बात कह दूं, मैं शशि को अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूं। मैं मानता हूं कि मैं बेकार हूं, शराबी हूं, कमजोर हूं, मगर मुझमें उतनी ताकत है
क्या अगर शशि की जिंदगी कोई बर्बाद करेगा तो मैं उससे बर्बाद कर दूंगा। कौन कर रहा है शशि की जिंदगी बर्बाद? मैं, तुम या तुम्हारी माँ? सच जानना चाहते हो रवि? ऐसा पहले भी हो चुका है और डॉक्टरों का कहना है कि अबॉर्शन अबकी बार हुआ तो तुम्हारी बहन जिंदगी भर मां नहीं बन सकती, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम लोगों का क्या होगा। अरे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी मां का क्या होगा? मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, घर मैं चलाता हूं, जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन उसका कहना है कि तुम बहुत गैरतमंद हो। मैं पूछता हूं कैसे गैरतमंद हो तुम, जब तुम्हारी बहन अपने कोख के बच्चे को इसलिए मार डालती है कि उसके हिस्से का खाना तुम्हें मिले, उसके दूध के पैसे से तुम्हारी शराब आए। कहां क्या गैरतमंद हो तुम, बोलो रवि, खुददार हो तुम? आप शशि से शादी करेंगे? अगर मेरी शादी तुम्हारी बहन से नहीं हुई तो कभी किसी से नहीं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जाओ जाओ। अरे क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बोलो शशि। हाँ। मैं तुमसे एक फेवर मांगना आया हूं। क्या? तुम ये नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ दो? ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ शशि। घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर के खर्चे की फिक्र मत करो, रणबीर सिंह और मैं संभाल लेंगे। मैं उन्हीं से मिलकर आया हूँ, बहुत भले आदमी है, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और वो कह रहे थे तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। शशि तुम शादी के लिए हाँ कह दो प्लीज। ये एक ही दिन में तुम्हें हुआ क्या है? कभी कभी शायद जलील होकर ही आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। रवि शादी करना इतना आसान नहीं, और बहुत सारी बातें। शशि तुम अब बहुत सी बातें नहीं करोगी, मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं, तुम मुझे इस जलालत से बचाओ, अपना कन्यादान मुझे करने दो। शशि मैं आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं प्लीज। दादा क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। आज मुकदमे की पहली पेशी है क्या? आपने अपनी नौकरानी का रेप किया है, करेक्ट? विद्वान आपको कैसे पता चला? सूरत चक्रधारी आपकी सूरत देखते ही समझ गया था, लड़की बच्ची है और आपको 7 साल की कैद बामुशक्कत हो सकती है, करेक्ट? वो हरामजादी मेरा बहुत माल खा गई, मुझे भाई कहती थी और जाते वक्त मेरी बीवी की साड़ियां भी ले गई। घबराइए नहीं, चक्रधारी की बात मानिए, आप इस चक्कर से साफ साफ बच जाएंगे। वो कैसे? मैं ये साबित कर सकता हूँ कि उस लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है, और जो कुछ भी लफड़ा हुआ है ना वो उसकी रजामंदी से हुआ है। प्रभु आप मेघा को पहचानते हैं? अरे मैं क्यों जानने लगा ऐसी नौकरानियों को? जनाब मैं तो कोर्ट के दाव पेच जानता हूँ, ये जितने भी वकील घूम रहे हैं ना यहाँ पर, ये सब मुझसे ही पूछ के केस लड़ते हैं। वो क्या है कि इस कोर्ट की कैंटीन में 10 साल का एक्सपीरियंस है अपना। प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा, मुझे बचा लीजिए। चक्रधारी अभी आया, आप चाय पियो, मैं कोई चक्कर चलाता हूं। इस आदमी को क्या चाहिए? बड़ा खबीज आदमी है साला, बच्ची का रेप किया माँ के दीने ने। ये केस मुझे दिलवा दे। ए भाई फिर तोरा पड़ गया। देख मैं वादा करता हूँ इस बार तुझे लेट डाउन नहीं करूंगा यार, शशि की शादी करनी, पैसे चाहिए। तू भी कमाल आदमी है यार, जब ईमानदारी और सच्चाई के ग्राहक तेरी दुकान पर आए तब तो तूने झूठ बोलना शुरू कर दिया। ए भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सच्चाई के ग्राहक? इस पते पर चला जा, तेरा काम हो जाएगा, और इसको मेरे लिए छोड़ दे, मैं करता हूं इसकी वकालत, करेक्ट?
जा। चाहे बैठ जाओ। ये खिड़कियां दरवाजे क्यों बंद कर रही हो? क्या इरादा है? मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें मेरे घर में देखे और हवाएं हमारी आवाजें पड़ोसियों तक पहुंचाए। आपने किसी काम का जिक्र किया था। घबराओ नहीं, तुम्हें कोई काम मुफ्त में नहीं करना होगा। अगर मैं किसी से कोई काम लेती हूं तो पहले उसकी कीमत भी चुकाती हूं। शराब अब मेरी जरूरत नहीं रही। पैसा तो है। जब तक आप काम बताना दें। मेरा एक भाई है अविनाश, उसे जान का खतरा है, रानी एमपी से। मैं चाहती हूं कि तुम कोर्ट में एक पटिशन दो उसकी प्रोटेक्शन और उसकी रक्षा के लिए। मैं अविनाश से मिल सकता हूं?
नहीं, पिछले 7 दिनों से वो घर नहीं आया। रानी के डर से कहीं छुपा हुआ है, कहां मैं भी नहीं जानती। क्या बिगाड़ा है अविनाश ने एमपी राणे का? पता नहीं। तुम्हारा भाई काम क्या करता है? कैमरामैन है, फंक्शंस, पार्टीज, शादियों पर लोगों के लिए वीडियो फिल्म्स बनाता है। उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ, वो रही। शराब भी नहीं पी रखे है और ये सब। मां, जब तक शशि की शादी नहीं हो जाती मैं शराब नहीं पीऊंगा। तुझे शशि की शादी के खर्चे की फिक्र थी ना, ये रहे वो पैसे। रवि, तुम किसी से उधार लेकर आए? शशि मुझे कौन उधार देगा? वैसे ये पैसे देखकर मैं भी हैरान हो गया था। मां, ये मेरे सिर्फ एक केस की फीस है। आज एक बात का तो यकीन हो गया, सच के खरीदार भी खास होते हैं और फीस भी। माय लॉर्ड, इसलिए मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे मुवक्किल अविनाश को प्रोटेक्ट करें और एमपी राणे से गारंटी लें कि अविनाश की जान को कुछ नहीं होगा। मिस्टर रवि, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आप अविनाश का पता ठिकाना तो बता नहीं रहे और पुलिस से उम्मीद रखते हैं कि अपना सब काम काज छोड़ पहले अविनाश को ढूंढे और फिर उसकी रक्षा के लिए पहरा दे। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने फोन पर अपनी बहन से कहा कि उसकी जान को खतरा है। किसी गुंडे, आदि मुजरिम या दादा से नहीं, बल्कि मिस्टर राणे एमपी से, जो एक पब्लिक फिगर है, इस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर बनाने और चलाने वाली मशीनरी का एक हिस्सा है। जज साहब, कानून से ऊपर कोई भी नहीं, खुद कानून को बनाने और चलाने वाला भी नहीं। ठीक है, आप पहले अविनाश को अदालत के सामने पेश कीजिए। द पिटिशन इज रिजेक्टेड। भाई साहब, पूरी बस खाली पड़ी है, खुद भी आराम से बैठिए और मुझे भी आराम से बैठने दीजिए। तुम वकील लोग साला हुज्जत बहुत करते, पर अपुन को तुम्हारे बाजू में बैठने का है क्या? हुँ? अरे साले, तू कोर्ट में राणे साहब का कचरा क्यों किया था? की जान को खतरा है। किससे? बोल किससे? हमारे राणे साहब का नाम लिया तो काट के फेंक दूंगा साले। अबे डिपो है, डिपो। जब कोर्ट ने केस रिजेक्ट कर दिया तो तुम पर ये बेवजह हमला क्यों? हमला बेवजह नहीं हुआ। सिर्फ राणे नहीं, कुछ और भी लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि मैं सच की तह तक पहुंचूं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मुझ पर हमला करके उन्होंने मेरे इरादे और भी मजबूत कर दिए हैं। क्या है ये सच, कौन है वो लोग, ये तो मैं अब जानकर ही रहूंगा। तुम भी कमाल करते रवि, मेरे होते हुए तुम पर हमला हो और मुझे पता तक न चले। भाई साहब, आप भी शशि की बातों में आ जाते हैं, उसे तो मेरी हर बात को बड़ा चढ़ा के कहने की आदत है। खैर, काम क्या बताओ? भाई साहब, मुझे आपके एरिया के क्रिमिनल्स की फाइल चाहिए। अच्छा, किसी केस में जरूरत पड़ गई क्या? जी।
अनवर अली, अनवर, फाइल नंबर 19 लाना। अच्छा ये बताओ कि पियोगे क्या? चाय, कॉफी, कुछ कोल्ड ड्रिंक? हैव समथिंग? दो। तुम बैठो रवि, मैं अभी आया। ओके। भाई मिला जो ढूंढ रहे थे। भाई साहब अगर मैं इस केस में सफल हो गया तो आप मेरी तस्वीर हर अखबार के फ्रंट पेज पर पाएंगे। रियली दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर आपका फोन। हेलो। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। घनश्याम, घनश्याम काम हो गया। कौन? चलो। यस सर। क्या तुम अपने आप को जासूस समझते हो? जानते हो अगर मेरे अलावा वहां कोई और पुलिस ऑफिसर होता तो तुम कत्ल के इल्जाम में धर लिए गए होते? अरे मां का क्या होता, शशि का क्या होता? तुम समझते क्यों अपने आप को? डैम इट, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? करने क्या कैसे तुम? भाई साहब एक लड़का है अविनाश, जो यहां के मशहूर एमपी राणे के डर से काफी दिनों से अंडरग्राउंड है। मैं उसी को ढूंढ रहा था। अविनाश? पूरा नाम क्या है उसका? अविनाश खुराना। अविनाश खुराना, जानते हो क्या काम करता है? भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनकी ब्लू फिल्म्स बनाता है।
वही फंड अमीर अय्याशों को सप्लाई करता है, मजबूर लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। अमीर हो तो दौलत, गरीब हो तो जिस्म, दूसरे मानों में वो दल्ला है। दल्ला अविनाश? हाँ, अविनाश खुराना दल्ला है। और सुनो, जानते हो क्यों छुपता फिरता है? उसने एक लड़की कमला सिंह की ब्लू फिल्म उतारी थी, जिसका खून हो चुका है और पुलिस उस ब्लू फिल्म की तलाश में है। नहीं, यकीन नहीं आया ना? जाओ जाकर बांद्रा में उसकी लाइब्रेरी, वहां पूछताछ कर लो। जाओ जाओ। नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है शैला, पुलिस में उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। वो मासूम भोली भाली लड़कियों को धोखा देकर उनकी ब्लू फिल्म बनाता है। वो अच्छा आदमी नहीं है और इसलिए पुलिस के डर से कहीं जा छुपा है। और रणवीर सिंह का यह भी कहना है कि कमला सिंह का कैसेट भी यहीं कहीं उसी के पास होना चाहिए। कमला सिंह? एक्सक्यूज मी मैडम, शो अनाउंस हो चुका है। तुम चलो, मैं आती हूं। खेल दिखाए
इस राज को जो समझे कभी, इस राज को जो समझे कभी, जीना उसी का जीना जिंदा वही, थोड़ा सा हम थोड़ी खुशी, यही तो है जिंदगी, यही तो है जिंदगी, आंसू में भी आंसू में भी जो ढूंढे हंसी, जीना उसी का जीना जिंदा वही, थोड़ा सा गम थोड़ी खुशी। रवि, आज की रात क्या तुम मेरे साथ यहां गुजार सकते हो? प्लीज। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आइए, बाद में कर लेना। अच्छा जी। हाँ बोलो, क्या बात है अनवर? मुझे बहुत रातों से नींद नहीं आ रही सर। बदख्वाबी में एक ही ख्वाब है जो बार बार आता है। मैं कब्रिस्तान में हूं, सोए हुए मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठते हैं, मुझे घेर लेते हैं और मेरी गर्दन दबोचने लगते हैं। तुम ऐसा करो, अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर क्या कर लेगा, क्या कर लेगा डॉक्टर? जमीर पर पड़ा बोझ सिर्फ एतराफी गुनाह से हल्का होगा। मेरे खून से रंगे हाथ। खुश में अनवर भैया, तुम पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हो, ये पुलिस स्टेशन है, मस्जिद नहीं। जानता हूँ पुलिस स्टेशन है ऐसे, और मैं पुलिस एक्ट में काम करता हूँ, शायद इसीलिए ऐसा से जुर्म ज्यादा सताता है। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। रणवीर सिंह, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, वरना जाम बहुत खराब होगा। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, होना चाहिए था इसे मस्जिद में, मौलवी भर्ती हो गया पुलिस में। आए दिन का खून खराबा इससे बर्दाश्त नहीं होता। अनवर मियां, आप यहां भी पहुंच गए? सच्चा मुसलमान वो है जो सिर्फ खुदा और उसके उसूल का वफादार हो। पुलिस की नौकरी ने मुझे अजाब में डाल रखा था, अल्लाह का शुक्र है मुझे उस अजाब से निजात मिल गई। तो आप रिटायर हो गए? हाँ, और अब मुझे सच बताने में कोई मजबूरी नहीं। मैं जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तुम बैंड स्टैंड पर आकर मुझसे मिलो, शायद मेरे जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर हट जाए। अल्लाहु अकबर।
कुरान शरीफ में लिखा है कि रोजे कयामत मुर्दे कब्र से उठेंगे और अल्लाह मियां सबाब और गुनाह का हिसाब किताब देखेंगे। उस दिन मकतूल का हाथ कातिल के गले पर होगा। जी हम इससे पहले भी मिल चुके हैं, पुलिस स्टेशन में। नहीं, उससे पहले बैलेड स्टेट में। उस रात को तुमने बहुत शराब पी रखी थी। हाँ, कुछ धुंधला धुंधला से याद है मुझे। उस रात एक कत्ल हुआ था। मैं अल्लाह के दरबार में पेश होने से पहले उस खून के दाग धोना चाहता हूँ। शायद वो रहीम मेरा गुनाह बख्श दे। मेरा कत्ल से कुछ ताल्लुक है? तुम्हारा ताल्लुक मकतूल से भी है और कातिल से भी। तुम अविनाश के केस की तहकीकात कर रहे हो? जी। तुम्हारी बहन की शादी उस पुलिस ऑफिसर रणबीर सिंह से होने वाली है? हाँ। तो फिर सुनो, याद है उस रात को तुम्हें? अविनाश हो? जी। तुमने कहा था एमपी राणे तुम्हारी जान के दुश्मन है, क्यों? मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे यह पता चलता है कि वो कमला सिंह के कातिल हैं। और कुछ? मुझे तभी शक हो गया था जब आपने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाने के बजाय यहां पर बुलाया था। यह कैसेट तो नकली था, असली सबूत कहीं और है। वो कैसेट भी तुम हमें ला के दोगे? कहां घुसाता है सर वो? अरे चल यहां से, हम है ना सर वो। अरे जाता है यार, रात हवालात में गुजारने का इरादा। चल चलो चलो यहां से। मार रहे हैं सर। साले तेरी वर्दी उतार के लाऊंगा। वर्दी उतारेगा तू? मेरी वर्दी उतारेगा? वर्दी उतारेगा तू मेरी? राणे को और तुम सबको नंगा करके छोड़ूंगा। तू मुझे नंगा करेगा? हाँ करूंगा। मेरी वर्दी उतारेगा? उतारूंगा। मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता कैसेट कहाँ है? बता कैसेट कहाँ है? अविनाश के खून के छींटे सुइयों की तरह मुझे चुभ रहे हैं। मेरा अल्लाह जानता मैं तब से चैन की नींद नहीं सो पाया। अब सोऊंगा। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। अल्लाह रवि। चुप रवि, तूने फिर से शराब पी ली? क्यों तूने फिर से शराब पी ली? छोड़ ना शशि, छोड़। छोड़ क्या बात है? क्या बात है? हाँ बात नहीं, अंगारा है। जबान पर लाऊंगा तो जबान जल जाएगी और चुप रहूंगा तो कलेजा फट जाएगा। कलेजा नहीं। कलेजा। रणबीर सिंह, क्या हो गया तुम्हें? ए? क्या हो गया? ए भाई, तेरा दिमाग हो गया खराब? उल्लू है तू उल्लू, सारा दो कौड़ी का वकील है तू। एक पागल ने बोला कि रणबीर सिंह खूनी और तूने मान लिया, और तू परेशान है कि तेरी बहन का क्या होगा।
उसके बच्चे का बाप कौन कहलाएगा? तेरी माँ क्या बोलेगी तुझसे? ए भाई, तू वकील है ना, अपने आप को वकील बोलता है ना तू, तो तेरे भेजे में इतना तो आता होगा कि कानून सबूत मानता है, सबूत। साला मैं तो बोलता हूँ वो अविनाश है ना, वो साला जरूर गोवा में है और इस वक्त हनीमून मना रहा होगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अविनाश जिंदा है? ए भाई, अगर तू वकील है ना तो अपन का भी कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस है। खून के केस में लाश का मिलना बहुत जरूरी। कहाँ है उसकी लाश? आए, अनवर का कहना है कि उसकी लाश शमशान घाट में जलाई जा चुकी है। कहाँ, कौन सी शमशान में? प्रूफ है? वाह भैया वाह, उसने कही और तूने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। लेकिन ज्ञानी जी महाराज, तुम शमशान घाट गए हो? नहीं गए, करेक्ट? वो तो मैं तुम्हारी सूरत देखते ही समझ गया था। चल भैया, बंबई की शमशान घाटों का दौरा करते, प्रूफ मिल ही जाएगा। ए बाबा, इसको देखा है यहाँ? इसको जलाया है यहाँ? अरे नहीं बाबा नहीं। चल कहीं और देखते। भाई साहब, इसको कहीं आपने क्या कर रहे हो यार, मरवाओगे क्या? इसको यहाँ जलाया क्या? नहीं सर। नहीं, चल। अच्छा जी, नमस्ते। ए भाई वकील बाबू, ए भाई माफ कर दे यार, गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे। क्या हुआ चक्रधारी? क्या हुआ यार, ये भूतों के मोहल्ले में इवनिंग वॉक करा के टाके थकवा दी और पूछते हो क्या हुआ? थोड़ी देर और चक्रधारी। थोड़ी देर और? यार इस थोड़ी देर में कहीं पीछे से आके उसने टेटुआ दबा दिया तो क्या होगा चक्रधारी? देख भैया, ये वो जगह है जहाँ पर माँ बाप बहन भाई सब साथ छोड़ जाते हैं, बस तेरा मेरा साथ यही थका था यार, मैं चला यार, तू ही ढूंढ उसको अब। अरे ओ बाबू, किसे ढूंढ रहे हो? तुम यहाँ के वॉचमैन हो? हाँ सो तो हूँ। मुझे तुम्हीं से काम है। क्यों, एडवांस बुकिंग करानी है क्या? काय की एडवांस बुकिंग? अरे चीता जलाने की, और काय की? इसे देखा है? देखा है और दिखा भी सकता हूँ। सच? हाँ। तुम मुझे इससे मिलवा सकते हो? 25 रुपया खर्चा आएगा। आओ मेरे साथ। ये लो। ये क्या? तस्वीर वाले बाबू। इसे कब जलाया था? 24 जुलाई रात को करीब 2 बजे का वक्त था। दूसरे दिन इसके फूल चुनने भी कोई नहीं आया, तो मैंने फूल चुन के रख दिए। कभी कभी ऐसा होता है, जीवन भर लोग जिसे दिन रात घेरे रहते हैं, मरने के बाद उसके लिए उनके पास एक मिनट भी नहीं होता, उसके फूल चुनने भी कोई नहीं आता। आज तुम आ गए,
मेरे पैसे वसूल हो गए। बच्चा ना दिल बचा चन्ना दिल बचा बचाना दिल बचाना उम्र है प्यार की क्या ठिकाना हो जाने जाना दिल भागना दगा बचाना दिल बचाना उम्र है प्यार की क्या ठिकाना वो जाने जाना दिल दीवाना दिला देगा ना 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 रवि अविनाश की कोई खबर मिली? दरवाजा बंद करो। क्या बात है? दरवाजा बंद करो। बात क्या है? शैला अविनाश मर चुका है। नहीं, नहीं। तो तुमने मेरे भाई को ढूंढने निकाला दादा सही मुर्दा सही मेरी इबादत मुझे दे दो तो।
अविनाश के स्विमिंग पूल के लॉकर की चाबी है, जब उसने चलाया होगा तो शायद उसकी जेब में रह गई होगी। वो सबूत जिसके कारण अविनाश का खून हुआ था, अब वक्त आ गया है कि तुम रानी एमपी को उसके किए की सजा दिलवाओ। एक बात मैंने तुमसे हमेशा छुपाए रखी, उस आदमी का नाम जिसे रानी ने खून करवाया। अविनाश का खून किया रणबीर सिंह ने, मेरी बहन का होने वाला पति, उसके बच्चे का बाप। रानी को सजा दिलवाने का मतलब है अपनी बहन को शादी से पहले विधवा करना। शैला, मैं आज जो कुछ भी हूं उसी की वजह से हूं, मेरी रगों में बहरा खून उसी की देन है, मेरी जबान पर उसी की आवाज है। मैं कैसे कैसे शैला? क्यों रवि, क्या सच किसी दूसरे की दुकान पर रखकर बेचने वाली चीज है? क्या सच के भाषण दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं? वो तुम्हारी बहन है, क्या वो मेरा भाई नहीं था? मेरा तो कोई भी नहीं है। मैंने तुम्हें फीस दी है, एक ईमानदार वकील को फीस दी है, और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि इस आग के शोले रणबीर सिंह से होते हुए तुम्हारी बहन और उसके बच्चे तक पहुंचे। मेरे दिए हुए पैसे से तुम रणबीर सिंह के सहरे के फूल नहीं रवि, उसके लिए एक फांसी का फंदा खरीदोगे। ऐसा देखता है कोई? अभी तो मैं एक ही घोट लिया, मैं तो पूरी बोतल लेने वाला हूँ। जा जंदिया, यहाँ से जा। बहन की शादी कर रहा है तू, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर से? साला वकील, जीजा पुलिस, मुकदमा जीते ही जीतेगा। अब तो तेरी जान दिए, पूरी बोतल लेके रहूंगा। जीजा भाई को त्वाल, अब डर खाएगा जीजा भाई। हाँ जी, ये साड़ी आपके लिए, और ये
सूट का कपड़ा रवि के लिए। ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमारे यहाँ हमारी शादी के एक दिन पहले लड़के वाले की घर की औरतें सब कुछ करती है ना, मेरे यहाँ कोई नहीं है तो आप ही को यहाँ आना पड़ा। मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? भाई साहब, आजकल तो बाजार में सब कुछ मिलता है, माँ बाप बहन भाई, हर साइज की हर नस्ल की, जिंदा या मुर्दा। तूने आज फिर पी ली? अरे भाई छूटती नहीं काफिर, ये मुंह से लगी हुई। रवि तुमने पीनी शुरू कर ही दी है तो कल हमारी शादी पर भी पीनी पड़ेगी, मेरे साथ एक पैग। रवि देखो तो रणबीर ने क्या कुछ दिया है, तुम्हारा सूट भी है। मेरे लिए सूट भी है? मैं काली साड़ी भी लानी चाहिए थी। काली साड़ी क्यों? जरूरत पड़ सकती है। रवि। हाँ शशि, तुम्ही से पैसे लेकर तुमसे राखी बंधवाते आ रहा हूं और तुम्हारी रक्षा के वादे भी करता रहा हूं। शशि ये वादे खोखले थे, तोड़ दो ये कच्चे धागे, ये कच्चे धागे चलो एक की तार बनकर मेरी कढ़ाई में चुप रहे। शशि प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी शशि। रवि मुक्त कर दो मुझे शशि। रवि शशि बहुत दिनों बाद घर में खुशी का मौका आया है और तू अपनी काली जबान से काली बातें कह रहा है, शर्म नहीं आती है तुझे? कमर में इतनी शर्मनाक बात कहते हुए शर्म नहीं आती है तुझे? समझ लो या इसको गाली, दुआ समझ लो या इसको गाली, चमन का दुश्मन बना है माली, चमन का दुश्मन बना है माली, दुआ समझ लो या इसको गाली, चमन का दुश्मन बना है माली, चमन का दुश्मन बना है माली। किसी पे हमने यकीन करके बना लिया राजदार दिल का, किसी पे हमने यकीन करके बना लिया राजदार दिल का, उसी ने छीना सुकून दिल का, चैन दिल का करार दिल का, चैन दिल का करार दिल का। अब ऐसे इंसान को कहे क्या, अब ऐसे इंसान को कहे क्या, तुम्हें बताओ जनाब आली, चमन का दुश्मन बना है माली, शोलों से प्यास दिल की, वो जुर्म मैंने क्या कर दिया है, बुझाई शोलों से प्यास दिल की, वो जुर्म मैंने क्या कर दिया है, हाँ मैंने भी है शराब पी है, लहू किसी का नहीं पिया है, लहू किसी का नहीं पिया है, यहाँ तो लोगों ने कत्ल करके, यहाँ तो लोगों ने कत्ल करके सच्चाई अपनों से भी छुपा ली,
चमन का दुश्मन बना है माली, चमन का दुश्मन बना है माली। हेलो राने, बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कौन बोल रहा है? रवि, रवि बोल रहा हूँ राने। अच्छा सामने आओ तो बात बने दोस्त। सुन राने, तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। जितनी शराब पीनी है पी ले, जो ऐश करनी है कर ले। तेरे आने वाले दिन भारी है राने, तुझे पूरे समाज के सामने नंगा करूंगा, ये मेरा वादा है। रणबीर सिंह, आप क्या हा? आप सुन गया तो मैं बोलते क्यों नहीं? मुझे देखो, ये नाटक मेरे साथ अब और नहीं चलेगा। तुम्हारी वजह से तुम्हारा वो हरामजादा साला रवि अभी तक जिंदा है, वरना वो तो चौबीस घंटे के अंदर अंदर आपका कैसेट आपको मिल जाएगा सर। रणवीर सिंह, सिर्फ 24 घंटे, 24 घंटे जी। हेलो, करेक्ट जी, एक मिनट भाई, ये भाई फोन। हेलो, रवि बोल रहा हूँ। नशा उतर गया या अभी बाकी है? कौन से नशे की बात कर रहे हो रणबीर सिंह? पहेलियां बूझने और बुझाने का वक्त निकल चुका है रवि, कुछ खुली खुली बातें हो जाएं। जगह और वक्त मार्ड आइलैंड, शाम को 5 बजे। अपनी पिस्तौल लाना मत भूलना रणबीर सिंह। बहुत बड़े कारीगर हैं आप, बहुत बड़े रणबीर सिंह। लोग सोने में खोट मिलाकर जेवर बनाते हैं, लेकिन आप खोट पे सोने का पानी चढ़ाकर जेवर के भाव बेचते हैं। बहुत बड़े कारीगर हैं आप। जिस दिन अविनाश गायब हुआ, उसके अगले दिन आपको तरक्की के ऑर्डर्स मिले, 20 रुपया महीना। एक बात कहूं, बहुत सस्ते में बेचते हैं आप अपने आप को। रवि, जिस सिस्टम ने मुझे जन्म दिया, वो मुझसे तुमसे बहुत बड़ा है। इस सिस्टम ने अविनाश को फांसी की सजा दी और मुझे रस्सी खींचने की ड्यूटी। अगर मैं ये काम करने से इनकार कर देता तो रस्सी कोई और खींचता और मैं नौकरी से जाता, और शायद इस दुनिया से भी अविनाश की तरह। मैंने इन हालात में वही किया जो एक अकलमंद आदमी करता। मैं जिंदा रहा रवि, सिर्फ जिंदा रहा। आपका यह सिस्टम मुझे भी फांसी से कम सजा क्या देगा? मजा आ जाए रणबीर सिंह, अगर मेरे लिए भी रस्सी आप ही खींचे। तुम तो कब के खत्म कर दिए गए होते अगर मैं तुम्हें बार बार नहीं बचाता। अगर अब भी तुम मेरा साथ नहीं दोगे रवि, तो मैं शायद तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। साथ देने का मतलब है कसेट मैं आपके हवाले कर दूं, बदले में सरकारी नौकरी, दौलत, जो मांगो। और अगर मैं ना कहूं तो? मैं जानता हूं
मैं जानता हूं रवि तुम्हारी अपनी नजर में तुम्हारी अपनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी बहन, फिर मां, फिर शैला जाएगी और इनके खून के जिम्मेदार तुम होगे। अरे मुझ पर तो एक गैर के खून का इल्जाम है, लेकिन तुम पर अपनों के खून का इल्जाम आएगा। अब बोलो तुम्हारे अपने जमीर की अदालत में कौन बड़ा मुजरिम है, तुम या मैं? आओ। तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे ख्याल पढ़ा करती थी, लेकिन आजकल आजकल नहीं पढ़ पाती। ख्यालों के धागे कुछ उलट से गए हैं इसलिए। शशि, मैं समझता था कि मेरे लिए कोई भी फैसला करना बहुत आसान है। सच्चे और झूठे में से किसे फांसी पर लटकाना, मेरा जवाब होता झूठे को। लेकिन अगर झूठ सच के कांधे पर बैठा हो तो फैसला तुम्हारे बस में है। हाँ शशि, इस केस में वकील भी मैं हूं, जज भी और जल्लाद भी। वकील का काम मैं किए देता हूं, बाकी दोनों काम तुम्हें करने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स और कसेट से यह साबित हो जाता है कि कमला सिंह का खून किन लोगों ने किया। इन लोगों को बचाने के लिए और 20 रुपया तरक्की पाने के लिए रणबीर सिंह ने पुलिस की वर्दी में अविनाश का खून किया। अविनाश के खून पर पर्दा डालने के लिए अंशाम का खून हो गया और अनवर को पागल कर दिया गया। अगर मैं यह सबूत कानून के हवाले कर देता हूं तो एक बेटे से उसका बाप और अपनी बहन से उसका सुहाग छिन जाता है। शशि, मुझे तुम्हारी खुशी छीनने का कोई हक नहीं है। यह सबूत मैं तुम्हारे हवाले कर देता हूं। तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपते हुए मेरे जमीर पर कोई बोझ नहीं है। यह फैसला करते हुए तुम ये मत सोचना कि सिद्धांतों का क्या होगा। आज मेरे लिए तुम्हारी खुशी उन सिद्धांतों से बहुत ऊंची है। तुम जो चाहो फैसला करना। दो तीन यादें बाकी हैं। करमजनी क्यों जला रही है? मां जब पिताजी मर गए थे तो उनकी सारी निशानियां तुमने ऐसे ही खत्म कर दी थी। अब कौन मरा है यहां?
निशानी जला देने से यादें मिट जाती है ना मां? तू समझता है क्या कह रही है? रवि, मुझे सच सच बता, तुम्हें क्या लगा मैंने सबूत जला दिए ना? एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? शशि, नहीं, नहीं, नहीं शशि, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरे आने वाले बच्चे का स्वार्थ है। ये दुनिया जिसमें हर आदमी दूसरे आदमी को मारने के लिए छुरा लेकर छुप रहा हो, और पुलिस कातिल का साथ दे, ऐसी दुनिया मेरे बच्चे को रास नहीं आएगी। अगर मैंने ये सबूत खत्म कर दिए होते तो मैंने तुम्हें मार दिया होता, अपने आप को मार दिया होता। ना मिले इसे बाप का प्यार, लेकिन सच का बीज तो पनपेगा। शशि, अब हम इन सबूतों का करेंगे क्या? पुलिस के पास हम जा नहीं सकते, अखबार के दफ्तर हमारे लिए बंद हो चुके हैं। रवि, कल सेंट्रल हॉल में माने का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देश की प्रगति का ऑडियो विजुअल शो। रणबीर सिंह भी वहां पहुंचेगा? मैं ऑफिस की डिलीवरी वैन मंगवा दूंगी, उसमें चलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। शशि, मेरे खिलाफ? परमा जी, कल हमारी शादी है, मेरे बच्चे की मां, झूठी बात है? माँ जी, मंडप सच चुका है। बेटी, भाई बहन थोड़ी देर के लिए अपने होश खो बैठे, मैं तेरे साथ हूं, शादी होगी और कल ही होगी। 7 साल, पिछले 7 साल से मैं उसे जानता हूं, मगर अपना ये रूप उसने मुझसे छुपा रखा। रणबीर, माँ जी, ये रूप उसने मुझसे छुपा रखा? आदमी बीमार होता है, उसमें प्रेतात्मा समा जाती है, तो वो अपनों को नहीं पहचान पाता, पर ये कुछ ही समय के लिए होता है। अच्छा, तो मैं चलती हूं, बस एक वादा कर, उन पर कोई आंच नहीं आए। माँ जी, होश तो मैं भी खो बैठा हूं, मगर अपनों को पहचानता हूं। आइए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं। आइए। शशि, मां कहां है? मां, माँ, तुम कहां से आ रही हो? माँ, 4 पैसे कमाने से क्या तुझे यह भी हक मिल गया कि आज तुम मुझसे पूछे कि मैं कहां से आ रही हूं? अभी तुम्हें यहां कौन छोड़ के गया?
रणबीर सिंह? हाँ। क्या बताया तुमने उसे? क्या बताया? सब कुछ, सब कुछ। तुम भाई बहन का संसार को स्वर्ग बनाने का प्लान, अपनी औलाद के खिलाफ। दामाद भी बेटा ही होता है। जब मैं उससे शादी ही नहीं करी तो तुम्हारा बेटा और दामाद कहां से बन गया? दामाद तो उसी दिन हो गया था जब तू पहली बार उसके साथ सोई थी। तेरे पैसों से घर चलता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि दुलान बनकर घर को चकला बना। बच्चा इसकी कोख में है, मेरी नहीं। जिसका बोझ है उसी से शादी होगी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं। मां, रणबीर सिंह खूनी है। खूनी है? किसका खून किया है? तेरा? तूने क्या जमाने भर का ठेका ले रखा है? तुम दोनों का पेट भरने के लिए मैं चोरी करूं तो क्या मैं तुम्हारी मां नहीं रहूंगी? तू शराबी है तो क्या मेरा बेटा नहीं रहा? बहुत सुन ली तुम लोगों की सच की बकवास। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। तू क्या चाहती है? क्या चाहती है तू? रणबीर इसकी टोली उठाकर ले जाए पास, मेरे पाप कटे। मामा ये शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी दाएं तो क्या तीसरा बच्चा भी खाएगी? शशि, 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 शशि तू यहां बैठ, यहां से बाहर मत निकलना। चल। पहले ही जोर दिखाया होता, दिन ही नहीं आया होता। स्वार्थ ने तुझे अंधा कर दिया मां, मगर आज तू मेरी एक बात सुन ले। हम दोनों की जान जाती चली जाए मगर मैं तेरे उस दामाद को फांसी के फंदे पर चढ़ा करूंगा। अच्छा, तो मैं भी तेरी मां हूं। देखती हूं कौन बाहर जाता है। ये दे, तू अपने काम पे जा। तुझे मेरे बच्चे की कसम, जा। तेरे मरे हुए बाप की कसम, तुझे जा। रवि, जा। हट जा मां। नहीं हटूंगी। हट जा मां। नहीं हटूंगी। हट जा। रवि, रवि, रवि। ये कैसेट मुझे दे दे, ये मेरी जिंदगी है, इसे बचाने के लिए मैं तेरी जान भी ले सकता हूं। मेरी बहन की राखी ने तेरे आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी रणबीर सिंह, अब वो रेखा मिट चुकी है। रणबीर सिंह, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। रवि, मेरी सारी जिंदगी की कमाई ये वर्दी है और इसे बचाए रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं रवि। जिस दिन तेरी वर्दी पर किसी बेगुनाह के खून के छींटे पड़े थे रणबीर सिंह, तू उसी दिन पुलिस अफसर नहीं रहा था। यह और बात है कि आज तूने वो वर्दी नहीं पहनी, नहीं तो मां कसम आज मैं तेरी वर्दी उतार देता। इस रिवॉल्वर में पड़ी गोलियां सच्चे और छोटे को नहीं पहचानती रवि। मेरी गैरत को मत ललकार, मेरी गैरत को मत ललकार रवि। अरे बहुत सुन ली तेरे मुंह से गैरत की बातें। तू कैसा गैरत मन, मैं तुझसे पूछता हूं। पहरेदार बनकर तू घर को लूटता है, इंसानी लाशों को निगल जाता है और तेरी भूखे क्या मिट्टी नहीं। आदमखोर, तू मना नहीं चाहता है। मैं कहता हूं तू जिंदा राख, तू तो आदमी के रूप में राक्षस है, राक्षस।
आज तेरे लिए सिर्फ एक हाथ काफी है रणबीर सिंह। जेंटलमैन ऑफ द प्रेस, मैं अभी अभी चंद्रपुर से लौटा हूं, जहां पर मैंने 250 आदिवासी लड़कियों की शादी अपने खर्च पे करवाई। अभी आप सब उस फंक्शन की वीडियो फिल्म देखेंगे। राजे, वीडियो फिल्म ये देखेंगे मिस्टर राणे? जरूर देखेंगे, लेकिन वो नहीं, ये देखेंगे। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। छोड़ दे, कोई नहीं लेगा। मैं कहता हूं आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा। सच फिर भी हजारों जबानों से निकलेगा मिस्टर राणे, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। नहीं, नहीं। मैं मानता हूं कि जिस सिस्टम में हम सांस ले रहे हैं वो हम सबसे ताकतवर है, लेकिन मैं पूछता हूं, आखिर ये सिस्टम बनाया किसने? मैंने, आपने, हम सब ने। हम में से हर आदमी इस करप्ट सिस्टम की दीवार में लगी हुई एक ईंट है। हम अपनी अपनी ईंट हटा दें तो ये सिस्टम खुद ब खुद ढह जाएगा। जिसने इस सिस्टम की पहली ईंट हटाई है वही इस मेडल का हकदार है। मिस शशि गोयल, आप इस मेडल को स्वीकार करने के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएंगी? जीना है तो ऐसे जियो, जिंदगी भी याद करे, जिंदगी भी याद करे। ओ, मौत मांगे भीख तुमसे, जीने की फरियाद करे, जीने की फरियाद करे। आना जाना चलता रहे, आना जाना चलता रहे, मौत एक बहाना हो, मौत एक बहाना हो।
आसमान छत हो मेरी धरती सिराना हो, धरती सिराना हो। जहाँ मिले प्यार मुझको, जहाँ मिले प्यार मुझको, वो मेरा ठिकाना हो, वो मेरा ठिकाना हो। आसमान छत हो मेरे, धरती सिराना हो, धरती सिराना। सपना है मेरा यही, फूल खिले गली गली, हो फूल खिले गली।